हेलो कैंसर, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जुलाई के 5 से 15 तारीख के अंदर आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रही हैं। एंड साथ ही में आपको जो इंसान सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, उनकी तरफ से दो मैसेजेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ताकि उस इंसान के दिल के फीलिंग्स को आपको समझने में और थोड़ा सा आसानी हो जाए। ओके, इस बार एंड अगर आपकी राशि कैंसर है यानी कि कर्क राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको पॉजिटिव रहना है, किसी भी तरीके से नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ना लाए। सो अभी आप लव लाइफ के साइड से चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, मतलब कि मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो, नो मैटर, हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, द टावर। नेक्स्ट यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखो ओवरऑल आपकी एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है वर्तमान में कि आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते हो, अपना लोगों से कम्युनिकेशन कट करना चाहते हो, दिख रही है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड अनुभव कर रहे हो एंड खुद को दोषी मान रहे हो किसी एक चीज़ के लिए। लव लाइफ के साइड से डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐसा हुआ है जिस वजह से आप खुद को दोषी ठहरा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपके लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है, आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, उसका जिम्मेदार आप हो, सिर्फ और सिर्फ। ओके, तो इस वजह से आपके अंदर बहुत सारा एंग्रीनेस, बहुत सारा सॉरो, बहुत सारा रिग्रेट, गिल्ट काम करता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर कौन कौन से एनर्जी से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस है, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है एंड वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है। ओके, सो यस, फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आप देख सकते हो कि फोर ऑफ कप्स है। देखो यहाँ पर साफ दिख रही है मुझे कि कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको प्रपोज करना चाहते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड कहीं ना कहीं नर्वस है वो इंसान। इस बात को लेकर नर्वस हैं कि आपके पास तो सब कुछ है, आप अपने लाइफ में जैसे भी हो सकता है खुश हो, तो ये इंसान ना कहीं आपको ये प्रपोजल दे नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, ये एक चीज़ दिख रही है आपके पास आने से। तो ये इंसान इस टाइम पर हो सकता है आपको कुछ प्रपोज़ल देने की कोशिश करे, कुछ बताने की कोशिश करे, ये एक चीज़ दिख रही है। फाइन, तो इस टाइम पर आप थोड़ा सा कंसर्न अगर रहोगे तो इस इंसान को पहचान पाओगे, क्योंकि इनके बिहेवियर्स में आपको वो चीज़ दिख जाएगा। अगर आप अनकंसर्न वे में काम करोगे तो इस इंसान को आप पहचान नहीं पाओगे। डेफिनेटली आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई इंसान इस टाइम पर एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो द टावर। टावर के दौरान दिख रही है आपका ब्रेकअप हो सकता है कि हो चुका है या फिर होने वाला है 5 से 15 तारीख के अंदर। आप कोई टॉक्सिक रिलेशन में हो या फिर थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ब्रेकअप वाला एक सिचुएशन मुझे दिख रही है, हार्ट ब्रोकन वाला एक सिचुएशन दिख रही है। किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है या फिर तोड़ने वाला है, या फिर आपके पीठ पीछे ना कोई एक इंसान किसी और के साथ बहुत ज़्यादा गुलछड़े उड़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक वे में बातें कर रहे हैं, तो इस बात का पता ना आपको बहुत क्लियरली लगने वाला है या फिर लग चुका है, ये चीज़ दिख रही है, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप उस इंसान से दूर हो रहे हो या फिर हो चुके हो, तो इस बात का गम कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे। एंड देखो, इस टावर कार्ड को देखकर ना आपको एकदम से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टावर कार्ड होता है, मैं बार बार आपको यही बताती हूँ कि डिवाइन की तरफ से क्रिएट किया जाता है, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बेस्ट है, आप जो चीज़ डिज़र्व करते हो वही आपको मिलेगा। मतलब कि ये ब्रेकअप आप डिज़र्व करते हो, बट इस इंसान को आप डिज़र्व नहीं करते हो। फाइन, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। आपका जो ये मायूसी है, आपका जो ये सैडनेस है, ये डिवाइन ख़त्म करना चाहते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं ये ब्रेकअप हो गया है। सो आपको इस बात को ना पॉजिटिव वे में लेना है, डिवाइन के ऊपर भरोसा रखना है, डिवाइन आपके साथ है, साफ दिख रही है मुझे। एंड लव लाइफ के साइड से डेफिनेटली आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं सिक्योर्ड लव की बात करता है। इस टाइम पर आपकी लाइफ में डेफिनेटली 5 से 15 तारीख के अंदर कोई एक नया पर्सन एंटर करने वाला है जो कहीं ना कहीं सिक्योर होगा आपके लिए, मतलब कि परमानेंट कहलाएगा। ओके, इस टाइम पर यह इंसान आपको बहुत हद तक खुश रखने की कोशिश करेगा, आपको शॉपिंग करवा सकता है, कहीं पर घुमाने ले जा सकता है, आपको कुछ अच्छा फील करवाने की कोशिश कर सकता है। फाइन, तो आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा उस इंसान की कंपनी को एंजॉय करने वाले हो, उनके साथ को एंजॉय करने वाले हो एंड इस टाइम पर जो भी होगा आपके लिए सही होता हुआ दिख रहा है, वो चाहे आप लव लाइफ के साइड से अभी किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो। ओके, अगर आप एक शादीशुदा पर्सन हो तो ऐसे में भी मुझे सेम सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऑनेस्ट एंड डिसिप्लिन लव की बात करता है।
ओके ये जो भी इंसान आपके लाइफ में आएगा ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल पर्सन होने वाले हैं, मतलब कि मटेरियलिस्टिक साइड से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं एंड इनका प्रेजेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। फाइन, तो ये इंसान फिजिकली मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये ना आपके साथ ऑनेस्ट रहेंगे एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा पंक्चुअल इंसान होंगे। ओके अगर आप एक सिंगल पर्सन हो या फिर कोई ब्रेकअप से गुजर के किसी नए पर्सन की तरफ जा रहे हो या फिर आपके भाग्य ले जा रहे हैं, तो ऐसे में दिख रही है ये पर्सन कुछ हद तक पावरफुल होने वाले हैं। आपके सराउंडिंग में जितने भी पीपल हैं उनमें से बहुत ज़्यादा पावरफुल कहलाएंगे ये इंसान। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कार्ड है वो रिलायबल लव एंड एस्टैब्लिश्ड एक लव की बात करता है, मतलब कि ये जो भी लव होगा ना, मतलब कि ये जो भी पर्सन आपके लाइफ में आएगा डेफिनेटली इनके पास कोई कार हो सकता है, कोई व्हीकल हो सकता है, मतलब कि जो भी इनके पास होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। अगर बाइक भी है तो वो एक्सपेंसिव दिख रही है, अगर कार भी है तो भी एंड घर भी। फाइन, सो ऐसे में दिख रहे हैं ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल एंड ऑनेस्ट बनने वाले हैं, आप उनको भरोसा कर सकते हो, ये इंसान भरोसे के पात्र होने वाले हैं। फाइन, तो ऐसा कोई एक इंसान आपके लाइफ में एंटर करता हुआ दिख रहा है मुझे, जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके लिए सही होने वाला है। तो ये आपके लाइफ में डिवाइन एंटर करवा रहे हैं, जिसके वजह से ही यहाँ पर ये टावर कार्ड आया है। देख लेते हैं कि जो भी इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते पसंद करते हैं, उस इंसान की तरफ से दो मैसेजेस कि वो क्या बताना चाहते हैं आपको। देखो मुझे तो यहाँ पर साफ दिख रही है कि ये इंसान ऑलरेडी आपको जानते हैं, पहचानते हैं, बट आप नहीं जानते हो। तो 5 से 15 तारीख के अंदर ये इंसान आपके सामने आने वाले हैं पूरी तरीके से। अगर ना भी आए, देखो यहाँ पर डिस्टेंस दिख रही है मुझे, अगर आप कंसर्न रहोगे, कंसर्स रहोगे तो आप इस इंसान को पहचान सकते हो। तो यहाँ पर है एस ऑफ क्लब्स, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा लॉयलिटी यहाँ पर झलक रही है गाइस। तो जो भी इंसान आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो उस इंसान की तरफ से मैसेज आया है कि 5 से 15 तारीख के अंदर बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट कोई एक इंसान आपके लिए होने वाले हैं। आप जो कहोगे ये इंसान वही करने के लिए राज़ी दिख रहे हैं मुझे, आप जैसा कहोगे वही बात ये इंसान सुनते हुए दिख रहे हैं। फाइन, आपके एक इशारे पर ये इंसान कुछ भी कर डालेंगे, ऐसे टाइप्स की चीज़ें दिख रही हैं। एंड देखो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही ये काम करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक लायन है, लायन जो होता है ना वो किंग होता है, किंग कहलाता है। तो इस इंसान का पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, ये अगर सभी के ऊपर है ना तो ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके नीचे रहने वाले हैं, किसी और के नहीं। तो ये ऐसा वाला एक चीज़ दिख रही है मुझे, बहुत स्ट्रांगली वाइब्स आ रहा है मुझे कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो सकता है एंटर करे, या फिर बहुत बड़ा पर्सनालिटी, पावर, पोटेंशियल वाला कोई इंसान एंटर कर जाए, एंड जो दिखने में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। देखो हो सकता है पहले पहले आप उनको भाव ना दो, या फिर इनके दिल में कुछ कष्ट, कुछ दर्द दिख रही है, या फिर ये इंसान आपको लेकर टेंशन ले कि अगर ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे तो क्या आप मान जाओगे या फिर नहीं। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये इंसान थोड़ा सा टेंशन में भी रहेंगे 5 से 15 तारीख के अंदर, ओवर थिंकिंग भी करेंगे, रात भी जागेंगे, बट कहीं ना कहीं इनके अंदर इमोशन बहुत हद तक काम करता हुआ दिख रहा है आपको लेकर। फाइन, सो ये इंसान आपको लेकर सोचते हुए रात जागते हुए दिख रहे हैं। डेफिनेटली ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वन साइडेड लव दिख रही हैं अभी तक। एंड देख लेते हैं डिवाइन आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं 5 से 15 तारीख के लिए, जुलाई महीने के लिए। सो यहाँ पर है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, डेफिनेटली इस टाइम पर डिवाइन आपको आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट देने वाले हैं। आपने लव लाइफ के ऊपर जितने भी हार्ड वर्क किए हैं, जितने भी एफर्ट लगाए हैं, जितना भी प्यार आपने लुटाया है ना इंसान के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उस साइड से आपको उतना ज़्यादा प्यार नहीं मिला है, या फिर मायूसी देखने को मिला है, या फिर धोखा मिला है। सो नो मैटर, कहीं ना कहीं हर एक चीज़ को समेट के डिवाइन ना आपको पॉजिटिव वे में आपका सच्चा प्यार आपको वापस करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए जिस इंसान को तैयार किया गया है, आपको जो इंसान डिज़र्व करते हैं, आप जिस इंसान को डिज़र्व करते हो, कहीं ना कहीं आपका सच्चा प्यार के साथ आपको मिलवाने वाले हैं डिवाइन इस टाइम पर। ओके सो आपने जितने भी प्यार लुटाया है वो हर एक चीज़ आपको वापस मिलने वाला है, जितना भी केयर आपने की है अभी तक, जितने भी लॉयल आप रहे हो, जितने भी ऑनेस्ट आप रहे हो अपने लव रिलेशनशिप में, तो कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे कि उतना ही लॉयल, उतना ही ऑनेस्ट पर्सन आपको प्राप्त होने वाला है। फाइन, सो थैंक यू कैंसर, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जुलाई के 5 से 15 डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट गुजरने वाला है, सो थोड़ा सा कंसर्न रहे एंड बाय।